दुकानें बंद करने का नॉन एसेंशियल का वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। वीकेंड में दुकानें बंद है, कस्टमर्स जो आते हैं वो शाम को 5 बजे के बाद आते हैं, ऐसे में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो ओवरहेड्स है, सैलरी है, रेंट है, काफी दुकानें तो खुली भी नहीं है। अभी हम सरकार को ये कहना चाहते हैं इनफ इज इनफ, क्योंकि हमने देख लिया है, काफी सारे ईमेल भेजे, पॉलिटिकल पार्टी से बात की है, सरकार को, चीफ मिनिस्टर साहब को हमने ईमेल भेजे है, रिमाइंडर भेजे है, मिलने के लिए का टाइम दिया है तो भी नहीं मिल सकते हैं। आज की तारीख में हम व्यापारी लोग ने अभी तय किया है कि अगर आने वाले 2-3 दिनों में अगर सरकार की ओर से रिलैक्सेशन और वीकेंड में खुला नहीं गया दुकान, तो मुंबई और महाराष्ट्र के जो व्यापारी भाई है वो सभी मिलके आने वाले चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में उसका बहिष्कार करेंगे, उसको बॉयकॉट करेंगे। तो ये सरकार को सोचना है क्यों व्यापारियों को परेशान किया जाता है। हालांकि सारे स्टेट में सभी दुकानें 9 बजे तक खुली जाती है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, गुजरात है, सभी जगह पे 9 बजे तक दुकानें, सिर्फ मुंबई और आजूबाजू के शहर जहां पे पॉजिटिविटी रेट कम होता है फिर भी दुकानें 4 बजे बंद की जाती है। तो हम यही चाहते हैं अगर सरकार ने इस पे निर्णय नहीं लिया तुरंत, तो आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के व्यापारी सरकार का बॉयकॉट करेंगे।